के खुतबात के नतीजे में जो एक आलमी इनकलाब बरपा हो रहा है, अल्लाह ताला ने वो अहलियत बढ़ाने का सामान किया है। अगर इसी तरह हम अपनी नमाजों की तरफ मुतवज्जे रहे और थके ना, तो बिलाशुबा तमाम आलम को एक नए दौर में दाखिल करने की तौफीक हमें अता होगी और तमाम नए आने वालों की सही तरबियत की तौफीक अता होगी। बस इस पहलू से मैं शायद चंद और खुतबे नमाज ही पर दूँ, क्योंकि जितना फल इन खुतबों को लगा है, इससे पहले शायद कभी किसी दौर के खुतबों को ऐसा फल नसीब नहीं हुआ। जब लोगों की रूहानी कैफियतें बदल जाएं, जब दिल पलट जाएं, जब नमाजों के लिए लोग उलट उलट कर सजदों में पड़ें, तो इससे ज़्यादा और क्या हासिल हो सकता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे ये देखकर बहुत अफसोस होता है कि आजकल इबादात और तक़वा और दीनदारी से मोहब्बत नहीं है। मुझे ये देखकर बहुत अफसोस होता है कि आजकल इबादात और तक़वा और दीनदारी से मोहब्बत नहीं है। इसकी वजह एक आम जहरीला असर रस्म का है। इसी वजह से अल्लाह ताला की मोहब्बत सर्द हो रही है और इबादत में जिस किस्म का मज़ा आना चाहिए वो मज़ा नहीं आता। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें लज्जत और एक ख़ास हज अल्लाह ताला ने ना रखा हो। जिस तरह पर एक मरीज़ एक उम्दा से उम्दा खुश जायका चीज़ का मज़ा नहीं उठा सकता और वो उसे तलख या बिल्कुल फीका समझता है, उसी तरह वो लोग जो इबादत इलाही में हज और लज्जत नहीं पाते, उनको अपनी बीमारी का फिक्र करना चाहिए। ये वो एहसास है जो अब बेदार हुआ है। पहले लोग बीमार तो थे मगर बीमारी का फिक्र नहीं करते थे, वो फिक्र नहीं जागा था। अब बार बार हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के नमाज के मुतल्लिक इक्तबासात पेश करने का एक नतीजा ये निकला है कि फिक्र जाग उठा है और बीमार अपने आप को बीमार समझने लगा है। अगर कोई बीमार अपने आप को सेहतमंद समझ रहा हो तो बीमारी उसे उसके लिए जानलेवा भी साबित हो तो उसको पता नहीं चलता, अंदर ही अंदर उसे खाती चली जाती है। लेकिन बीमारी का एहसास पैदा होना कि हम बीमार हैं, यही सेहत की तरफ उठने वाला पहला कदम है। दुनिया में तो ये होता है कि सेहत की तरफ उठने के लिए बढ़ने के लिए कदम इंसान उठाता तो है मगर सेहत नसीब नहीं होती। बसा औक़ात अच्छा मुआलिज मुयस्सर नहीं आता, बाज़ दफ़ा अच्छे मुआलिज को सही इलाज नहीं सूझता, बाज़ दफ़ा हालात के तकाजे गुर्बत और दूसरे घरेलू मसाइल राह में आयल हो जाते हैं। मुल्क मुल्क का फ़र्क है, किसी मुल्क में तरक्की याफ्ता इलाज नसीब हैं, किसी मुल्क में नहीं नसीब। गर्जी के बहुत से ऐसे अवामिल हैं जो सेहत का एहसास बेदार होने के बावजूद एक मरीज़ को सेहत देने की राह में हायल होते हैं, मगर निज़ाम सेहत जिसका रूहानियत से ताल्लुक़ है, इसमें एक बड़ी खुशखबरी ये है कि एहसास के बेदार होने का नाम ही सेहत है। एक मौके पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया गया कि अगर हम नमाज के लिए कोशिश करें और मुसलसल कोशिश करें कि लुत्फ आए और मज़ा आ जाए और हमें पूरी तरह रूहानी सेहत नसीब हो और ऐसा ना हो, तो क्या ये सारी नमाजें ज़ाया गईं? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज नहीं, ये एक जहाद है, तुम ये जहाद करते रहो। बहुत से ऐसे जहाद करने वाले हैं जिनका जहाद बज़ाहिर बेकार जाता है और वो फतह का मुंह नहीं देख सकते लेकिन लड़ते चले जाते हैं। आपने फरमाया, क्या तुम उनकी ज़िंदगी को बेकार समझोगे? क्या वो एक कामयाब जहाद के में हिस्सा लेने वाले नहीं हैं? बस तुम कोशिश करते रहो और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर तुम इस कोशिश से हारो नहीं और हिम्मतें तोड़ कर ना बैठ रहो
तो जिस वक्त भी तुम पर मौत आएगी तुम एक नमाजी लिखे जाओगे, क्योंकि अल्लाह की राह में तुमने जहाद से रोगर्दानी की, जो मुसीबतें टूटी, घर वालों के बाज हताने भी सुनने पड़ते हैं कि इस पागल को क्या हो गया है, बाज खावन बीवियों पर नाराज होते हैं कि हर वक्त मुसल्ला लिए बैठी हो। ये दुरुस्त है कि हर वक्त मुसल्ला लिए इस तरह नहीं बैठना चाहिए कि खावत के हकूक तरफ हों, मगर बाज बेसब्रे भी होते हैं जो जिनको मुसल्ला ही बुरा लगता है, तो ऐसे ताने भी सुनने पड़ते हैं और इनके मुतलिक भी मुझसे ख़तों में जिक्र होता रहता है। बाज़ बच्चे अपने माँ बाप का शिकवा कर रहे हैं कि हमने नमाजी शुरू की हैं तो उनके मिजाज बिगड़ गए हैं, बाज़ बीवियाँ अपने खामदों का, बाज़ खामद अपनी बीवियों के शिकवे कर रहे हैं, तो एक लगन सी लग गई है, एक आग सी दिलों में पुश्तैल हो गई है कि खुदा हमें तौफीक दे तो हम जैसा कि नमाजों का हक है वह हक अदा करने की तौफीक पाएँ। ये लगन ही दरअसल सेहत की निशानी है और कामयाबी का ऐलान है। अगर ये लगन जारी रहे, और मेरी दुआ है आप सबको, मैं इस दुआ में अपना शरीक करना चाहता हूँ कि अब ये लगन बुझने में ना आए, जो दिलों में एक आग से लग गई है कि हम अपने गुनाहों को इस आग से भस्म करें और खुदा के हुजूर पाक दिल लेकर नमाजों में हाजिर हुआ करें, ये दुआ करें कि अभी आग बुझने में ना आए यहाँ तक कि गुनाह भस्म हो जाएं। और यही दुआएं हैं जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बार बार जमात को दी हैं। और जैसा कि मैंने अर्ज किया है, हमारा कदम कामयाबी की तरफ उठ रहा है और इस कामयाबी से दुनिया को कामयाब करना है, इस कामयाबी ने इस दौर में अहमदियत की फतह का ऐलान करना है। बस नमाजों में मशगूल रहें और उससे मज़े उठाएं, खा लज्जत आए या ना आए, अगर ना आए तो अपने आप को बीमार समझें और उस बीमारी के इलाज की तरफ मुतवज्जे हों।